सर, माननीय सदस्य जी ने सही प्रश्न उठाया और ये भी सच है कि हाँ, एक कमेटी बनाया था और उसका रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है। मंत्रालय उसके ऊपर विस्तार से चिंता कर रही है और उसके अनुसार, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आगे बढ़ने का भी कोशिश हो रही है सर। इसीलिए ये गंभीर मामला है और कंटोनमेंट में जिन जिन का एप्लीकेशन पेंडिंग है रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन के लिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होती रह रही है। फिर भी इनके रिकमेंडेशन, इस कमेटी का रिकमेंडेशन का भी सीरियसली ले रही है। धन्यवाद महोदय। रिकमेंडेशन के पब्लिश जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा मैडम। पब्लिश ही नहीं हो रहा है काफी साल, एक साल हो गया, पब्लिश कब करोगे? मैं माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर में एक और आपने कहा है कि फ्री होल्डिंग के लिए सिविल क्षेत्र के पट्टेदारों HOR से 391 आवेदन, जिसमें कि 253 होल्ड ग्रांट संपत्तियों, ये 138 फॉर पट्टा युक्त संपत्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें भूमि की कीमत 25% की राशि छावनी में जमा की गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कुल कितनी राशि जमा हुई है और इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है? सर, मेंबर इज ऑनरेबल मेंबर इज राइट अबाउट 636 केसेस वेयर सैंक्शन फॉर फ्री होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन कंटोनमेंट्स हैव बीन अकॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑलरेडी, बट फ्रॉम अमंग दीज 636 केसेस 526 आर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड ग्रैंड बंगलोस and also the 110 left over are on leased properties of the civil area. The payment structure is such that at the time of application you give only 25% and only after that STR based calculation, the standard table of rates based calculation is determined, and when the sanction is made is when the rest 75% has to be paid.